शाही दरवाजे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। डर नहीं रहा, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि क्या है। घोड़ा के साथ देख सकते हैं, हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं अभी। ये है गेंडा और गेंडा का ये गोबर। यहाँ पे देख सकते हैं निकलते वक्त में एक पहाड़ के टाइप का कुछ बनाया गया। सही में यार, यहाँ पे देख करके हमने डर गए। डर नहीं रहा, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि क्या है वैसे। इसको पता ही नहीं क्या नाम है। नागराज है, कितना मोटा है भाई। यहाँ देख सकते बाहर निकलते वक्त में यहाँ पे कुछ सीन दिखने को मिला। एंड ये पूरा तरह से पत्थर ही है हमारे सामने, ये जो दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे चढ़ करके फोटो कुछ ले रहे हैं। इतनी बड़ी बाघ, सॉरी जंतुओं के बारे में बताया गया है। उभयचर में जैसे कि ये कछुआ आता है, कछुआ क्या होता है, पानी और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकता है। वैसे यहाँ पर देख सकते कछुआ है और मेढक भी है। मेढक का यहाँ पे चित्र वगैरह का देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया गया मेढक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूज़ियम में गेंडा भी है। एंड गेंडा हम लोग देखे थे चिड़ियाघर में, अगर नहीं देखा तो चिड़ियाघर का जा करके वीडियो हमारा जरूर से देखिएगा। ये है गेंडा और गेंडा का ये है गोबर। ये गोबर जो है ना लगभग दिन भर में 23 किलो तक गोबर कर सकता है। ऐसे शाही दरवाजे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर, और अंदर चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या है अंदर। तो मनीष वहाँ पर फोटो वगैरह ले रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आ करके। यहाँ हम जरूर से फोटो खिंचवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नदी पानी वगैरह बनाया गया है। यहाँ पे घोड़ा है तो घोड़ा के साथ देख सकते हैं हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं अभी तुरंत। फोटो पॉइंट के लिए यहाँ पे सब चीज़ बनाया गया है एंड काफ़ी खास लगा। एंड ये है फोटो पॉइंट, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बारी व्यू कैसा दिख रहा है। ये सब जो ग्लासेस आप देख रहे हैं पुराने पुराने ज़माने के जो राजाओं जो थे ना वो सब इसका प्रयोग करते थे। तो इसमें जो है ना कि चेहरा जो दिख रहा है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, यानी कि उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे को देख रहे हैं उल्टा सीधा ही देखा है, लेकिन कुछ और आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग तरीके का दिखाई देगा। उल्टा सीधा देख सकते हैं, सीधा दीवार है लेकिन यहाँ देखो उल्टा दिखाई दे रहा है। नया बाजार, नया बाजार आपको दिखाते हैं। आइए, पहले के लोग क्या करते थे ना कि वैसे झुकते थे, अभी ये औरत चढ़ रही है ऊपर, पता नहीं कैसे झुका जाएगा, पता नहीं। आदमी को ये मशीन जो करके बता रहा है कि कितना केजी के हैं। यहाँ मशीन लगा है, वो मशीन बता रहा है कि आप कितना केजी के हैं, वो सब चीज़ बता रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बॉक्स में लेकर के ये सब सारी चीज़ दिखाई जाती थी। काफ़ी शानदार लगा यहाँ का ये भी देखिए आपको पहले। हम देख सकते हैं जो चिट्ठियाँ होती थी इस तरह से लिख करके और पोस्ट की जाती थी लोगों को। और यहाँ पे कुछ सिक्का वगैरह आपको दिखाने को मिल रहा है। पहले हम लोग अभी जो सिक्का है हम लोग ये वाला सिक्का को प्रयोग करते हैं। एंड और भी बहुत पुराने सिक्का आपको यहाँ पर दिखने, इतना बड़ा सिक्का भी पहले चला करता था, इतना बड़ा है। पहले ज़माने की जो सिक्का होती थी ना उसको चिपका दिया गया, इसमें चिपका दिया गया, हिल नहीं रहा, इसको बढ़िया से चिपका दिया गया, कोई उठा कोई नहीं ले जाए। यहाँ पर फोटो लेने के लिए ना सबसे पहले लाइन लगती है, लाइन लगकर एक एक करके फिर लोग आएंगे। अभी हमें फ़ोटो लेने में ना काफ़ी टाइम है, तो अगर फ़ोटो लेना है तो वहाँ जा करके लाइन में लगना होगा, फिर से जा करके फ़ोटो लेना होगा, तो कोई नहीं। प्रवेश करें खोज कक्ष में। आप देख सकते हैं बिहार का नक्शा बीचों बीच यहाँ से बटी है। ये देख सकते हैं ये जो यहाँ से आ रही है गंडक नदी है, और यहाँ से जो आ रही होगी ये उत्तर प्रदेश से मिलती हुई ये पटना होते हुए गंगा नदी ये जा रही है, ठीक है। वो जाकर के उधर पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। एंड हम लोग का ये एरिया है सिवान, गोपालगंज और छपरा, इसमें पड़ता है हम लोग का ये वाला क्षेत्र रहता है। तो कोई नहीं, आइए और सारी चीज़ देखते हैं हम लोग। इसको ऐसे लेकर के इसको खुदाई करना है, ऐसे खुदाई करेगा ना कुछ चीज़ें मिलेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल गया है, यहाँ पे एक मूर्ति मिल गई मुझे, तो ये चीज़ें यहाँ पर अपना खेल खेल सकते हैं ऐसे कर करके। इसको हटाइएगा ना ऐसे, अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा ऐसे। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैसा मिलेगा यार, क्या मिला हमको, कुछ ये चीज़ हमको मिलाई है, ठीक है। तो पैसा ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, एंड यही सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें खेलने योग्य है। यहाँ पे देख सकते हैं मूर्तियाँ, यहाँ पे मूर्ति वगैरह यहाँ पर हटाइएगा ना तो यहाँ देख सकते हैं मूर्ति मिलेगी आपको। तो कोई नहीं, अच्छा लगा, चलते हैं और अंदर भी है ललटेन।
और ये देख सकते हैं टूटी फूटी हुई मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। ये जो है ना एक किसी का रूम बनाया गया, ठीक है, उसमें बक्सा वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो सोने वगैरह के लिए वहाँ पर कुछ है और वहाँ उसका जो भी आदमी का होगा वो स्टडी के लिए यहाँ पे है चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सामान वगैरह है उनका और भी उनके लिए पंखा है एंड कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको बोल सकते हैं एकदम मूर्ति स्टैचू वगैरह लालटेन पढ़ने के लिए। कुर्सी एंड यहाँ पे सोने के लिए ये चीज़ वो है। यहाँ पे कुछ लेडी से कुछ बारे में बताई जा रही है, कह रहा हूँ इसको आराम से एकदम पोज करके इसको पढ़ लीजिएगा एंड इसके बारे में एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर नहीं है, ये उल्का पिंड है जो कि ये मधुबनी ज़िले में एक धान की खेती में गिरी हुई थी जब बरसात के टाइम में मधुबनी ज़िले में जो गिरा हुआ था। लोहाकी थाने के जो क्षेत्र में एक गांव है, लगभग ये 15 kg का है, यहाँ पे लेकर के इसको स्थापित कर दिया गया एंड काफ़ी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीज़ लगा मुझे वो चीज़ देखकर के काफ़ी अच्छा लगा। तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तस्वीर कुछ बुक वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ पर भी है कुछ बुक, ये इतने मोटी मोटी होती थी ना इसका मैंने, बहुत मोटी है ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पहले के ज़माने में हड्डियों को काटी जाती थी, तो पहले डॉक्टर जो थे हड्डी अगर किसी का ख़राब हो जाता था तो इसको ऐसे करके काटा जाता था, पता नहीं कैसे कुछ ऐसे सिलाई मशीन करके इसको काटा जाता था, ठीक है, सिलाई मशीन की तरह। इसको देख सकते कि इसको औजार बक्स कुछ ना कुछ हैंपर है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जो कि हम लोग प्रयोग करते हैं ना घर ओवर पे, ये सारी चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे ये नहीं खुल रहा है, देख सकते हैं पुस्तकें रखी गई हैं, इसको पत्थर से बनाया गया ये चीज़, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आइए हम आपको एक पटना का एक चित्र छोटा सा दिखाते हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है गांधी सेतु पुल जो कि अगर पटना में मिलता है, ये गोलघर ऐसे छोटे छोटे करके दिखाई दे रहा होता है। पुराना गन है ना जी, पुराना गन है। फ्री फायर में देखते हो उसमें रहते हैं, जूम करके दिखाते हैं, बोलते हैं ब्रज के, ठीक है। जब भी अगर अपने को अगर असुरक्षित महसूस करते हैं तो ये लोग अपना पूरा गोला सेप करके इसे कोई नहीं तोड़ सकता, नहीं कोई खा सकता है, शेर भी इसको तोड़ नहीं सकता है। लगभग ये जो गेंडा जो है ना लगभग हमारे 5 से 7 फीट तक का है, यानी कि शुरू यहाँ से करें और यहाँ तक होता है इसका। तो कोई ना, हम चल रहे हैं बाहर, वीडियो करेंगे अंत चल करके। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग एग्जिट ले रहे हैं बाहर, तो आइए मिलते हैं बाहर आपसे। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर, तो वीडियो को करते हैं पे अंत। तो ये वीडियो कैसा लगा एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करना एंड और भी सारी चीज़ें अभी पटना में अभी बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को है, तो कोई नहीं हम लोग वहाँ पे चलेंगे और दिखाएंगे एंड अभी देख सकते हैं अभी हम म्यूज़ियम के बाहर हैं एंड देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा एंड काफ़ी खूबसूरत यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर, जय हिंद।